हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पैरासाइट का अंडर ही ये क्वेश्चन है। व्हाट इज सिग्नेट रिंग, मतलब ये जो सिग्नेट रिंग होता है वो क्या होता है। यहाँ पे सिग्नेट रिंग फॉर्मेशन का पिक्चर दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट द टाइम ऑफ असेक्सुअल साइकिल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन मैन, मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का लाइफ साइकिल में जो असेक्सुअल साइकिल होता है जो मैन के अंदर कंप्लीट होता है, आफ्टर एंट्री ऑफ द मेरोजॉइड्स इनटू द रेड ब्लड कॉर्पसल, जब मेरोजॉइड्स रेड ब्लड कॉर्पसल के अंदर घुस जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ए नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप्स इन इट्स बॉडी। वो जो मेरोजॉइड होता है उसके अंदर एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप होते हैं एंड द न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड, और उसका अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे चले जाते हैं। द शेप ऑफ द ट्रोफोजॉइड्स रिजेंबल्स ए रिंग एट दिस स्टेज एंड इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग, और इस स्टेज पे ट्रोफोजॉइड का जो शेप होता है वो एक रिंग की तरह होता है, इसलिए इस स्टेज को सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहा जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के अंदर ही है। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द मॉस्किटो एज ए वेक्टर ऑफ पैरासाइट, मतलब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पैरासाइट होते हैं ये जो डिजीज स्प्रेड करते हैं ह्यूमन पे, वो डिजीज़ का जो वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है। तो मॉस्किटो का जो रोल है इस डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए ये अब हम जानेंगे, तो शुरू करते हैं। द मॉस्किटो बिकम्स इन्फेक्टिव व्हेन मैच्योर ओसिस्ट रैप्चर एंड स्पोरोजॉइट्स आर लिबरेटेड इनटू हीमोसील और बॉडी कैविटी ऑफ मॉस्किटो। ये जो ओसिस्ट होते हैं वो जब रैप्चर करते हैं और ओसिस्ट के अंदर जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो जब लिबरेट करते हैं मॉस्किटो के हीमोसील में, नहीं तो जो बॉडी कैविटी है मॉस्किटो का उसमें, तब वो मॉस्किटो इन्फेक्टिव होते हैं। बींग मोटाइल द स्पोरोजॉइट्स मूव टू डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, और जब वो स्पोरोजॉइट मोटाइल होते हैं, मोटाइल हो जाने के बाद वो स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो का डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे चले जाते हैं, बट मेनी ऑफ देम पेनिट्रेट द सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन वो जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉस्किटो का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ पे ही पेनिट्रेशन करते हैं। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कंटेनिंग इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ पैरासाइट दैट इज स्पोरोजॉइट, और एक हेल्दी पर्सन तभी इन्फेक्टेड होते हैं जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उसको बाइट करते हैं और उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर स्पोरोजॉइट विच इज इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ दिस पैरासाइट वो होना चाहिए। द मॉस्किटो पंक्चर्स द होस्ट स्किन बाय इट्स प्रोबोसिस, ये जो मॉस्किटो होता है वो उसका जो प्रोबोसिस होता है उससे जो स्किन होता है होस्ट का मतलब मैन का, उसका स्किन पे एक पंक्चर कर देते हैं एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ एलाइवा इनटू ब्लड स्ट्रीम, और एट फर्स्ट क्या करते हैं ब्लड स्ट्रीम पे लिटिल अमाउंट ऑफ सलाइवा ऐड कर देते हैं। अलॉन्ग विद सलाइवा थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइड कॉन्टेंट देयर इन आर ऑल्सो इनोकुलेटेड, और वो सलाइवा ब्लड के अंदर घुसने से बहुत सारे स्पोरोजॉइड भी उसके साथ साथ ब्लड से मिल जाते हैं। देन द लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन मैन बिकम स्टार्टेड एंड द मैन गेट इन्फेक्टेड, और उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो लाइफ साइकिल होता है जो असेक्सुअल साइकिल होता है वो शुरू हो जाते हैं और वो मैन इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे रोल ऑफ मॉस्किटो एज ए वेक्टर ऑफ पैरासाइट का पिक्चर दिया हुआ है स्टेज बाय स्टेज, आप चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।